ठीक है, तो मीटिंग लाइव होगी है तो हम ना स्टार्ट करते हैं। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर कह रहे हैं पार्टिसिपेंट, तो हम स्टैक को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ मैम, रोमेशा ने ज्वाइन कर लिया आई थिंक, अगर उन्होंने मीटिंग आई थिंक लाइव नहीं हुई, मीटिंग लाइव होगी यहाँ पे चेक करिएगा। यस, मीटिंग लाइव हो गई है। मीटिंग बस ठीक है, फिर वो कोई और पर इशू आ रहा है। अच्छा तो आज हमने करना है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट, तो मैम रोमेशा आ गई। नहीं, अभी नहीं। अच्छा तो ठीक है, हम ना डेटा स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यहाँ से हम ना थोड़ा सा इसकी थ्योरी पढ़ लें, बाद में फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आई थिंक डीएस से कहाँ पे है हमारा, क्योंकि हम ये ना हाँ सरप्राइजली स्टार्ट कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स हमारा। तो एक मिनट मैं यहाँ से जाता हूँ। टैब अच्छा फिर अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं भी स्टैक का टॉपिक प्रेजेंट कर सकती हूँ। जी, आप करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। मेरे पास नोट्स हैं क्योंकि मैंने रिसेंटली 5 PM में भी, अभी वैसे सेशन तो खत्म हो गया लेकिन मैंने किया था, अगर आप कहते हैं तो मैं कर ओके देती हूँ। यस मैम, ठीक है, आपने श्योर। करना है जी, आप कर लें। ठीक हम है, एक तो मिनट कहते मुझे हैं कि दीजिएगा, पार्टिसिपेंट को करना चाहिए। एक मिनट मुझे दीजिएगा, मुझे लैपटॉप से जस्ट ज्वाइन करने दीजिए। ओके तो हम ना तब तक हल्का सा देख लेते हैं, तब आप ज्वाइन कर लें फिर आप कंटिन्यू कर लें। अच्छा जी स्टैक हमारा एक आपने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो अच्छा तो हमारा स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है डेट फॉलो द पार्टिकल ए पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच द ऑपरेशन आर परफॉर्म, के इसमें हमारा एक स्टैक हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है डेट फॉलो, जो फॉलो करता है अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच द ऑपरेशन आर परफॉर्म, एक इसमें स्पेसिफिक तरह से हम ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करते हैं। हम इसमें ये आप देखेंगे आगे जाके, इसमें क्या से ऑपरेशन हमारा क्या होगा, वो स्पेसिफिक ऑपरेशन क्या वो जो बात कर रहा हूँ क्या होगा। द ऑर्डर में भी लिफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और फिलो, यानी सरमनाथ, फर्स्ट इन लास्ट आउट। सरमनाम, उनको जी पहले को होस्ट बना दे मैम, अरीसा को, तब तक ओके ओके वो मैम। अपना कर लेती हैं। तो जिससे आई थिंक मैं एक लैपटॉप से ज्वाइन हूँ, मुझे नहीं पता आपको कैसे पता चलेगा, अगर उससे हो जाए तो बेहतर रहेगा। मुझे स्क्रीन शेयरिंग भी अलाउ कर दूँ। जी मैं कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे आई थिंक वीक 3 ही चल रहा है ना, ऐसे मेरे सेशन के मुताबिक वहाँ पर उसका वीक 3 था, लेकिन हम टॉपिक को देख लेते हैं। हमने स्टैक टॉपिक को देखना है तो हम स्टैक की तरफ मूव करते हैं। अच्छा सर ने ना, वैसे पर्सनल्स में कोई बता सकता है, किसी को पहले आइडिया है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का, कोई हैंड रेड कर सकते हैं जिनको आइडिया है वो पार्टिसिपेंट। यस सर, मुझे आइडिया है। जी और इसके अलावा आई थिंक जस्ट थोड़े से पार्टिसिपेंट हैं जिनको आइडिया है, मोस्ट को नहीं है। ठीक है, हम देख लेना, कोई बताना चाहेगा ये डेटा स्ट्रक्चर क्या होती है। मैं मैं जी कोई एक पर्सन अपना माइक अनम्यूट करके बताए। कोई भी एक बता दें। सर मोहम्मद अली, आपने हैंड रेस किया हुआ है, आप अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। ओके मैम, मैं बताता हूँ। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डेटा की अरेंजमेंट जस्ट लाइक ऐसी होती है कि जैसे आप शेल्फ में बुक्स रख रहे हैं। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ऐसे है कि मैंने बुक्स रखी, तो फर्स्ट बुक क्यों ऊपर, सेकंड बुक फिर बुक सेकंड के ऊपर, थर्ड थर्ड के ऊपर, फोर्थ, ये रखने का ऑर्डर है। और जब मैंने इन बुक्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो पहले जो लास्ट बुक मैंने रखी थी सबसे पहले वो आएगी बाहर, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, फिर फोर्थ लास्ट। तो स्टैक को समझने के लिए ऐसे ही है कि जो मैं चीज सबसे पहले रख रहा हूँ वो मेरे पास सबसे बाद में गेट हो।
ठीक है. गैस को हम यूं भी ले सकते हैं, जिस तरह से हॉटपॉट में रोटियां रखते हैं घर में, तो जब रोटी पकाते जाते हैं तो हॉटपॉट में रखते चले जाते हैं, तो जो एंड पे होगी पहले वही निकाली जाएगी, इंस्टेड ऑफ के जी सबसे नीचे वाली निकाली जाए. तो ये लाइफो मेथड होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो एंड पे रखी गई है वो सबसे पहले निकाली जाएगी ना. तो स्टैक में बेसिकली ये मेथड यूज होता है. ठीक है. मैम आपका भी और सर का जी आपने से एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन फिर भी हम एक दफा देख लेते हैं. ये बेसिकली स्टैक होती है, क्लीनर डेटा स्ट्रक्चर होती है, जैसे एरे होती है. लेकिन इसमें ये होता है, और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं जो हमारे पास डेटा स्टोर हो रहा होता है वो कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन पे होता है, जैसे फोरन कंसेकेटिव लोकेशन आप कह लें. अगर एक एलिमेंट यहाँ पे है, एक एलिमेंट यहाँ पे, तो ये कंसेक्यूटिवली होगा, हम इसे कंटिगियस मेमोरी लोकेशन भी कहते हैं. अच्छा एक चीज मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, पाइथन के अलावा वैसे और कोई लैंग्वेज इस सेशन में फॉलो नहीं हुई ना? नो ठीक है, तो मैम, ये बेसिकली हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स लिए कहते हैं, और ये इसमें जो डेटा मेमोरी के अंदर होता है वो कंसेक्यूटिव लोकेशन पे पड़ा होता है. और ये जो बेसिकली जो अभी पार्टिसिपेंट ने डिस्कस किया, ये डेटा किस प्रिंसिपल के मुताबिक स्टोर होगा, जो भी पार्टिसिपेंट ने बेसिकली बताया है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट. जैसे एक ने हार्ट्स पर, एक ने बुक्स की एग्जांपल्स दी, और एक पार्टिसिपेंट ने जो हार्ट्स पर में हम रोटी रख रहे होते हैं, तो ये दोनों बिल्कुल मैचिंग एग्जांपल्स हैं. उसमें ये होता है कि आपने फर्स्ट बुक रखी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, लेकिन जब आपने पिक करना है, ये बुक लास्ट पे आई थी और ये बुक सबसे पहले एंटर हुई थी फर्स्ट पे, ये सेकंड पे हुई, और ये बुक सबसे लास्ट पे ना इम्प्लीमेंट हुई, आपने उसमें अपने स्टैक के अंदर डाली है. तो जब आप बुक उठाओगे तो आप ये वाली बुक नहीं उठा सकते, जब आप ये उठाएंगे तो ये सारी बुक्स खराब हो जाएंगी. तो डेफिनेटली आपने लास्ट वाली बुक उठानी है. तो बेसिकली हम इसलिए इसे कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट. कोई भी डेटा आप किसी भी स्टैक के अंदर रख रहे हैं, किसी भी बॉक्स है, कंटेनर है, कोई भी जो चीज आप लास्ट पे डालेंगे वो हमेशा उसको आपने पहले निकालना होगा. तो इसलिए हम कहते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल ये फॉलो करती है. तो सेम अगर हम डेटा स्ट्रक्चर कोई भी बना रहे हैं, उसमें हम अपना डेटा स्टोर करें, चाहे वो एम्प्लॉयज के नेम का है, चाहे वो कोई एलिमेंट्स हैं, तो हम हमेशा जो एलिमेंट लास्ट पे डालेंगे, अगर हमने स्टैक का प्रिंसिपल फॉलो करना है, तो जो हम एलिमेंट लास्ट पे डालेंगे हमें उसे पहले निकालना होगा. अब एक प्लेट्स की एग्जांपल ले लेते हैं. तो जब भी हम प्लेट्स रख रहे होते हैं, तो आपने देखा जब एक साइज की प्लेट्स होते हैं, हमने सबसे पहले ये 1 रखी होगी, फिर ये 2, फिर ये नेक्स्ट 3 आई होगी, यहाँ तक ये लास्ट है. ये जो प्लेट है ये लास्ट पे इंसर्ट हुई है, और ये वाली जो प्लेट है ये फर्स्ट पे हुई है. लेकिन अगर आपने निकालनी है तो आप वो रैंडमली कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, हम निकाल लेते हैं, लेकिन सारी बुक्स आपको उठानी पड़ेंगी जो हम एक्चुअली उठाते हैं, लेकिन वो स्टैक अप प्रिंसिपल नहीं रहता. हमने क्या करनी है, हम अगर वन बाय वन कोई भी प्लेट उठा रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये वाली प्लेट उठाएंगे, तो सबसे लास्ट पे हमने रखी थी, सबसे पहले हमने ये रखी है, फिर ये रखी है, फिर ग्रीन, और ये इसी तरह पूरी हमने स्टैक बनाई है प्लेट्स की. तो ये एक गठी सी जब प्लेट्स हो जाती हैं, तो अगर आपने पिक करनी है तो आपको सबसे टॉप वाली उस पाइल में से प्लेट्स उठानी पड़ेगी. अब कुछ पर्सन ये भी कहेंगे कि हम तो रैंडमली भी उठा सकते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ से प्लेट निकालोगे तो तब भी आप चाहे गठी उठा रहे हो लेकिन इस प्लेट को निकाल रहे हो, तो इसका मतलब है हम वन बाय वन ऊपर वाली सब प्लेट्स निकालेंगे अगर हमने यहाँ पे आनी है. तो इसका ये मतलब है जो लास्ट एलिमेंट आया है वो सबसे पहले जाएगा, ये प्लेट सबसे लास्ट है, इसको निकालेंगे हम, फिर उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट, फिर वन बाय वन, और फिर हम सेंटर में आएंगे. तो जो चीज लास्ट पे आती जा रही है वो पहले जा रही है. जब ये ऊपर वाली प्लेट निकल गई, तो इसका मतलब है जो सेकंड पे थी अब वो टॉप पे आ गया, बेसिकली वही प्लेट जो है वो एज अ लास्ट कंसिडर होगी, क्योंकि ऊपर वाली तो चली गई. तो बेसिकली इस तरह हम एक एक पिक करते करते हम मिड में आ जाते हैं, चाहे वो हमारा कोई भी पॉइंट हो, लेकिन उससे पहले हमने वो सारी प्लेट्स उठानी होती हैं जो लास्ट पे आई होती हैं. तो ये बेसिकली दो एग्जाम्पल भी थी. और हम पाइथन के अंदर बेसिकली अगर हमने स्टैक इम्प्लीमेंट करनी है, तो हम लिस्ट को यूज फंक्शनैलिटी कर सकते हैं, लिस्ट की है, कोई स्पेसिफिक नहीं है. शायद हम बेसिकली एरे को और लिस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है. एरे बेसिकली हम ये कहते हैं
कि उसमें ना जो डाटा स्टोर होता है आप सेम टाइप का स्टोर कर सकते हो, लेकिन जिसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन पाइथन में अगर हमने स्टैक इंप्लीमेंट करवानी है तो हम क्या करेंगे, लिस्ट यूज कर सकते हैं। और हम ये देख सकते हैं आगे कोडिंग के अंदर कि वो कैसे इंप्लीमेंट होती है। लेकिन उस फंक्शनैलिटी को हम इंप्लीमेंट करवाएंगे, और कुछ सर्टन फंक्शंस होते हैं और स्टैक के कुछ ऑपरेशंस होते हैं, हम उनको देख लेते हैं। अच्छा, अब आपने हमने देखा हमारा कोई भी, चाहे वो बुक का स्टैक था चाहे वो पाइल था प्लेयर्स का, हमने वो वैल्यू वहां डालनी है और निकालनी है। तो अब डालना है और जो निकालना है, बेसिकली कुछ ना कुछ ऑपरेशन है कि कोई नेम है, और हम इनको क्या कहते हैं स्टैक की प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में, और पार्टिकुलरली स्टैक के अंदर जो चीज़ हम डाल रहे होते हैं स्टैक ऑपरेशन के अंदर, पहला जो देखना है वो बेसिकली हम उसे पुश कहते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि आपने वैल्यू अपनी स्टैक के अंदर डालनी है, चाहे कोई बुक है कंटेनर के अंदर आपने इंसर्ट करवानी है, चाहे वो प्लेट भी हो सकती है जो आपने स्टैक के अंदर डालनी है। अब हमने लिस्ट पे देखा है एक मेथड हम यूज करते हैं अपेंड का, तो ये वही मेथड होगा जो इस पुश ऑपरेशन को परफॉर्म करवा देगा। अच्छा, एक चीज ये आती है, हमने हमने ये देखा जो वैल्यू पहले आएगी उसके जो इंसर्ट होगी ना नेक्स्ट वैल्यू उसके बाद आएगी। तो अपेंड फंक्शन ऐसे ही काम करता है, जैसे अब दो ए बी सी तीन वैल्यू हमने इंसर्ट करवा चुके हैं, अगर हमने नेक्स्ट वैल्यू करवानी है तो वो सी के बाद आ जाएगी। तो इसलिए भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं कि ओ वन ऑपरेशन लगता है, कि जैसे अगर आपने जस्ट लास्ट पे करवाई, आपने कोई स्पेसिफिक स्पेस नहीं बनवाई उसको इंसर्ट करवाने के लिए। अपेंड फंक्शन जब भी वैल्यू को इंसर्ट करवाता है, या कुछ आप कह लें ऐड कह दें, ये डिफरेंट नेम से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सबका एक ही मीन है, चाहे मैं इंसर्ट लूँ ऐड लूँ अपेंड या पुश। स्टैक की लैंग्वेज में जो स्टैक, अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो इस ऑपरेशन को हम पुश का नाम देते हैं, लेकिन इससे कोई स्पेसिफिक नहीं होता। बेसिकली हमने वैल्यू अपनी ऐड ही करवानी होती है, तो वो जो वैल्यू है वो लास्ट पे हो रही होती है, तो इस वजह से उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ओवर वन हो जाती है। अब स्टैक में ना एक टॉप का कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपने जो सबसे टॉप पे वो वैल्यू होती है जो सबसे लास्ट पे इंसर्ट हुई होती है, तो हम उसे टॉप कहते हैं। जब भी आपने टॉप इंसर्ट करवाना होता है तो हम बेसिकली लिस्ट के अंदर एक -1 लिख देते हैं, तो हमारे पास वो वैल्यू रिटर्न हो जाती है। तो जो वैल्यू सबसे लास्ट पे इंसर्ट हुई होती है हम उसको टॉप कह रहे होते हैं। अब देखिए इसमें तीन एलिमेंट्स थे और सबसे लास्ट पे सी था, तो हमारा जो टॉप का पॉइंटर होगा वो सी को पॉइंट आउट कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही न्यू वैल्यू आती है डी, तो हमारा टॉप का जो पॉइंटर है वो शिफ्ट होकर डी को चला जाएगा, क्योंकि डी अब अपेंड हो गया है। तो अब जो हमारी टॉप पे वैल्यू आ गई है वो बेसिकली डी आ गई है। सेम इसी तरह अगर कोई न्यू वैल्यू आ जाती है जैसे ई आ गई, तो टॉप का पॉइंटर डी से नेक्स्ट ई को पॉइंट आउट करने लग जाएगा। तो ये बेसिकली इसका पुश ऑपरेशन था। सर मोहम्मद ने हैंड रेस किया था, आई थिंक उन्होंने लोड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास पुश का ऑपरेशन है, ये कैसे वर्क करता है। लेकिन जब हम फर्दर इसके अब हम लीड कोड प्रॉब्लम्स करेंगे तो ये हम देख लेंगे। अब स्टैक के अंदर एक पॉप का ऑपरेशन होता है, पॉप का मीनिंग आपने कोई ना कोई वैल्यू डिलीट करवानी है जो आपने या रिमूव करवानी है। जैसे अब अगर आपने एक बुक का आपके पास स्टैक है, तो उसमें से अगर आपने एक बुक निकाल दी तो इसका मतलब है कि आपने अपनी वो बुक डिलीट करवा दी है, खत्म करवा दी है। तो वो जो ऑपरेशन होता है वो पॉप का परफॉर्म करवाता है। और हमने ये भी देखा है कि लिस्ट के अंदर एक पॉप का फंक्शन होता है, अगर नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, वो जस्ट पॉप पीओपी के नाम से होता है, अगर आप यूज करेंगे तो वो वैल्यू रिमूव करवा देता है लास्ट वाले से। अच्छा, पॉप में एक चीज ये भी होती है, पॉप के अंदर अगर आप कुछ भी पास नहीं करते तो वो बाय डिफॉल्ट बेसिकली ये कर रहा होता है कि लास्ट वाली वैल्यू रिमूव कर पा रहा होता है। तो बाय डिफॉल्ट वो लास्ट वाली ही वैल्यू रिमूव करवाएगा। तो पॉप का फंक्शन हमारी स्टैक के प्रिंसिपल को अगर हमने वर्कआउट करवाना है रियल सिनेरियो में, तो पॉप का फंक्शन करेगा। जैसे आपने पॉप यूज किया, आपका डी वैल्यू क्या होगी, पॉप हो जाएगी। फिर आपने बी पे अगर रीच करना है, तो अब हमने ये देखा है लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा, तो सबसे लास्ट पे ही आया था, हम इसको निकालेंगे पॉप के थ्रू, फिर हम दोबारा पॉप को रन करेंगे, सी को आउट करवाएंगे, और जब हम हमें बी चाहिए तो यहाँ तक जब बी आ जाएगा तो फिर ये बेसिकली हमारी वैल्यू होगी। और जब ये दोनों वैल्यू निकलगी तो टॉप कहाँ पे आ जाएगा,
बी पे। तो हम पाइथन लैंग्वेज के अंदर पॉप का मेथड यूज करवा सकते हैं इस ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए। अगर इसके बाद इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और 1 होती है क्योंकि जस्ट जाके लास्ट से वैल्यू को डिलीट करवा देता है एक लास्ट इंडेक्स पे। इसको कोई स्पेसिफिक सर्चिंग या कुछ भी परफॉर्म नहीं करनी पड़ती कि इसने की मिडल से जाके डिलीट करना है। तो जो स्टैक के अंदर अगर हम वो लास्ट से ही पॉप करवा रहे हैं तो वो ओ ऑफ 1 टाइम लेता है। ये दोनों ऑपरेशन एफिशिएंट होते हैं, ये ओ ऑफ 1 में काम कर रहे होते हैं। और ओ ऑफ 1 हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में देखा है कि वो वर्स्ट केस सिनेरियो होते हैं। वैसे इस सेशन में आई थिंक मैंने भी एक एक दो क्लासेस मिस किए हैं। वैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लोगों ने देखी है? मैम इस सेशन में नहीं हमने अभी डिस्कस की। अच्छा टाइम और कॉम्प्लेक्सिटी बेसिक। अच्छा मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ, वैसे हम वो भी डिस्कस कर सकते थे अगर मुझे पता होता तो। अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है कि बेसिकली कि आपका ना कितना टाइम ले रहा है एल्गोरिथम, जो भी आपने कोड लिखा है, जो उन सर्टन ऑपरेशन पे जो आपने नंबर ऑफ सर्टन ऑपरेशन अपने उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे परफॉर्म करवाए हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है कि आप कितनी मेमोरी ले रहे हैं अपने डेटा को स्टोर करवाने के लिए। लेकिन एक चीज आप कभी भी मत कंफ्यूज कीजिएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को किसी भी सिस्टम का जो टाइम ले रहा है कंप्यूट करने के, वो बिल्कुल भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। ऐसा कुछ सिस्टम फास्ट होते हैं, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बेसिकली हम नंबर ऑफ जो ऑपरेशन यूज कर रहे होते हैं अपने कोड के अंदर या किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, वो बेसिकली टाइम होती है। और टाइम में आगे 3 चीजें होती हैं, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस होता है। तो बेस्ट केस ये होता है कि आपको ना जैसे आप वैल्यू सर्च कर रहे हैं, जैसे आपने सर्टन आपके पास इम्प्लॉइज की लिस्ट है, तो अगर आपको पहली लाइन में ही वो पर्सन मिल गया तो वो उसका बेस्ट केस होता है। एवरेज होता है कि वो किसी सर्टन में जाके मिला। तो वर्स्ट केस ये होता है कि वो बिल्कुल लाइन के लास्ट पे मिला। तो हम जब भी अपने स्नैरियो में कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे वो वर्स्ट केस देखेंगे, और वर्स्ट केस को हम ओ से डिनोट कर रहे होते हैं। ओमेगा तो आपने एक ओमेगा होता है, एक थीटा, तो और एक के होता है, तो बिग ओ हम इसे कहते हैं। इसीलिए तो ये जब भी लिखा हुआ है सिंबल, तो आपने समझ आना है कि हम वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हैं। तो ये इसलिए हर जगह मैंने वर्स्ट केस के लिहाज से कॉम्प्लेक्सिटी लिखी हुई है। अच्छा ये जस्ट ओवरव्यू दे दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और इसमें बस केस में भी पॉप में 1 आ रही, क्योंकि हम जस्ट लास्ट से डिलीट करवा रहे हैं। और पॉप ये होता है आपके पास रन टाइम एरर आ जाती है अगर आप स्टैक आपके पास कोई वैल्यू ही नहीं है, और अगर आप उसको डिलीट करवाना चाह रहे हैं पॉप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो वो बेसिकली एरर दे देता है। तो अगर हमने टॉप पी की देखी है, टॉप बेसिकली हमने देखा है वो टॉप पे जो एलिमेंट होता है, और अगर हमने टॉप का एलिमेंट एसेस करना है तो हमने देखा है कि आप स्टैक जस्ट लिस्ट के अंदर -1 करेंगे तो वो आपको लास्ट का एलिमेंट एसेस करके दे देता है, जिसे हम टॉप पी कहते हैं। पी पी इसका नेम है, जो मर्जी आप चूज करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी जस्ट लास्ट से ही टॉप का एलिमेंट दे रहा होता है, तो इस वजह से मैंने टॉप का कॉन्सेप्ट बताया था, क्योंकि ये भी एक ऑपरेशन होता है स्टैक के अंदर। तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है बेसिकली ओ ऑफ 1 होती है। अच्छा स्टैक ऑपरेशन में, या फिर आपने अगर ये देखना है, जैसे आपके पास एक कंटेनर आ गया है, लेट्स सपोज हम कहते हैं ये कंटेनर है, इसमें जस्ट 3 बुक्स की स्पेस है। तो अगर आपने कोई न्यू वैल्यू इंसर्ट करवानी है और आपके पास स्टैक अंदर स्पेस नहीं है, तो हम इस फुल का फंक्शन कॉल करेंगे, और ये बेसिकली ये बताएगा क्या हमारी जो स्टैक है वो फुल हो गई है कि नहीं। ये अगर हमने कोई न्यू वैल्यू इंसर्ट करवानी है, लेट्स सपोज हमने कोई फिक्स साइज कंटेनर बनाया हुआ है, जैसे उसके अंदर सिर्फ 3 ही बुक्स आ सकती हैं। अगर हमने अब कोई न्यू वैल्यू डालवानी है तो डेफिनेटली वो उसके अंदर नहीं आएंगी। तो हमें, अगर हमने फिक्स साइज बनाया, तो हम हमेशा इस फुल का फंक्शन कॉल करवाएंगे और कंफर्म करेंगे क्या उसकी जो लेंथ है वो 3 के इक्वल आ गई है। अगर वो आ गई है तो इसका मतलब वो फुल है, तो हम न्यू वैल्यू इंसर्ट नहीं करवा सकते, पुश नहीं करवा सकते। तो ये बेसिकली बूल वैल्यू रिटर्न करेगा। बूल जो होती है या तो ट्रू या फॉल्स, अगर ट्रू रिटर्न करवाता है तो इसका मतलब है वो जो कंटेनर है वो फुल हो गया है। अगर इन केस ये फॉल्स रिटर्न करवाता है तो इसका मतलब उसके अंदर वो फुल नहीं है, उसके अंदर स्पेस है। हम जो न्यू वैल्यू अगर भेजना चाहते हैं तो वो हम भेज सकते हैं। तो ये भी जो काम होता है ओ वन में हो जाता है, वो ये होता है जैसे अगर आपने लेट्स सपोज इसका साइज 3 डिफाइन डिफाइन किया हुआ है, मैं ये लेंथ का फंक्शन कॉल करती हूँ
सिंबल ए, और मैं इसकी लेंथ चेक कर लेती हूँ इस टैग की, और अगर ये 3 के इक्वल आ जाती है इसका मतलब ये फुल है, तो मैं रिटर्न 2 करवा देती हूँ। तो ये बेसिकली O(1) में हो जाता है ये काम। तो इस वजह से ये जस्ट कंडीशन चेक होगी, एक दफा ये लेंथ कैलकुलेट करेगा और उसको जस्ट कंडीशन मैच करेगा, तो ये भी काम जो हमारा ऑपरेशन होता है ये O(1) में परफॉर्म हो जाता है। तो इस वजह से हम कहते हैं इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी O(1) होती है। हम ऑपरेशंस देख लें तो फिर अगर किसी का क्वेश्चन हुआ तो मैं ले लूंगी। अच्छा, इसी तरह इस एम्प्टी का भी होता है ऑपरेशन। हम ये चेक करते हैं कि हमारी स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। जैसे हमने अभी देखा कि अगर आप कोई भी वैल्यू अपनी स्टैक से पॉप फंक्शन कॉल करवाते हैं जो कि रिमूव करेगा, अगर वो एम्प्टी है, अब जैसे अब इसमें तो वैल्यू पड़ी हुई है, अगर वो एम्प्टी हो गया है तो वो आपके पास एरर रेज करेगा। तो उसे अवॉइड करने के लिए हमने ये चेक कर देते हैं क्या हमारी स्टैक पर ऐसे एम्प्टी तो नहीं है, ये ना हो कि हम एम्प्टी स्टैक से अपनी वैल्यू को रिमूव करवा रहे हों। अब जैसे अब मैंने पॉप का फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल करवाया तो ये वैल्यू डिलीट होगी, हमारे पास 2 वैल्यू रहेगी। दोबारा मैंने पॉप का फंक्शन कॉल करवाया, ये वैल्यू हमारी स्टैक से खत्म होगी। जब मैंने दोबारा फिर पॉप का फंक्शन कॉल करवाया तो ये भी वैल्यू खत्म होगी। तो अब इसमें कोई भी वैल्यू नहीं रही। अब जब मैं फोर्थ टाइम्स इस पॉप को कॉल करवाऊंगी, ये स्टैक एम्प्टी रहेगी और वो मुझे एरर जनरेट कर देगा, रन टाइम एरर जैसे हमने बात की थी। क्योंकि हम उसे कह रहे हैं आप जाके वैल्यू डिलीट करो, जबकि स्टैक के अंदर कोई वैल्यू एक्सिस्ट ही नहीं करी। तो ये बेसिकली हम ये एक सिनेरियो मैंने आपको बताया कि इस एम्प्टी कैसे यूज हो सकता है। जैसे मैंने आपको इस फुल का बताया, ये जैसे एक सिनेरियो है, हम इस ऑपरेशन को कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो इन केस अगर आप पॉपिंग के फंक्शन करवा रहे हो, तो अगर आपने ये चेक करना है कि आपकी स्टैक ही एम्प्टी तो नहीं है, ये ना हो कि आप इनकी स्टैक के स्टैक पे अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो बेसिकली इस फंक्शन को आप यूज करवा के हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। और ये भी सिंपल इस कंडीशन से होगा, अगर स्टैक की लेंथ जो है वो जस्ट 0 के इक्वल आ गई है, तो इट्स मीन हमारी जो स्टैक है वो एम्प्टी है। तो ये भी एक सिंपल काम O(1) में हो जाता है। तो ये बेसिकली स्टैक का इस एम्प्टी का ऑपरेशन था। तो यही इसमें ऑपरेशन होते हैं, एक टॉप, एक पुश, पॉप, इस पुल और इस एम्प्टी। तो यहाँ तक ये थ्योरेटिकल इसका काम था, कवर हो गया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, फिर हम आगे देखते हैं हमें क्या करना। मैम इस एमटी को जरा रिपीट कर दे। ठीक है, एम्प्टी फंक्शन ये होता है कि आप ना स्टैक से बेसिकली लेट्स सपोज ये एक सिनेरियो था पॉप का, हम अभी इसको छोड़ देते हैं। एम्प्टी फंक्शन को मैं जस्ट बताती हूँ। एम्प्टी फंक्शन ये होता है कि आप ना अपनी वैल्यू को बेसिकली इस एम्प्टी का फंक्शन करवा के चेक करते हैं कि आपकी जो स्टैक है क्या उसके अंदर वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं कि नहीं। जैसे मैं एक एरे बनाती हूँ या लिस्ट आपके लिए, इसमें 2 और 3 वैल्यू पड़ी हैं। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करवाती हूँ तो कोई मुझे बताएगा ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स? कोई बताना चाहेगा कि ये फंक्शन, अगर मैं इस एम्प्टी का फंक्शन कॉल करवाती हूँ तो ये और ये मेरी स्टैक है, तो मेरे पास ट्रू रिटर्न होके आएगा फॉल्स? फॉल्स आएगा। जी बिल्कुल, यहाँ फॉल्स आएगा क्योंकि मेरी स्टैक एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर 3 वैल्यूज पड़ी हुई हैं। तो इस एम्प्टी तब रिटर्न ट्रू करवाएगा जब वो स्टैक एम्प्टी होगी। जैसे फुल में ये था वो तब ट्रू रिटर्न करवाएगा अगर वो फुल है, तो इसमें एम्प्टी ट्रू तब रिटर्न करवाएगा जब स्टैक एम्प्टी होगी। अगर ये एम्प्टी होती है, लेट्स सपोज मैं इस स्टैक को चेक करती हूँ S1 को, तो ये मेरे पास क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करवाएगा। अगर अब मैं चेक करती हूँ, अगर मेरी ये न्यू स्टैक है इसको चेक करी, अब ये फॉल्स रिटर्न करवाएगा क्योंकि ये अब ट्रू रिटर्न करवाएगा क्योंकि मैंने बाय मिस्टेक में फॉल्स बोल दी, ये ट्रू रिटर्न करवाएगा कि वाकई में हमारी स्टैक एम्प्टी है। और अगर मैं इस पे कॉल करती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास फॉल्स रिटर्न होगा क्योंकि स्टैक एम्प्टी रही है, उसके अंदर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। अब आपको क्लियर हो गए? यस मैम, क्लियर हो गया। अच्छा, और सेकंड जो हमने चीज देखी थी वो सिनेरियो देखा था, किस सिनेरियो में हम इसे यूज करवा सकते हैं। जैसे हमने देखा पॉप में रन टाइम एरर आ जाती है, तो हम उससे पहले इस फंक्शन को कॉल करवा के चेक करवा सकते हैं कि आइदर हमारी जो स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है, ये ना एम्प्टी हो रहा, हम उसमें से वैल्यू को क्या करवा रहे हों, डिलीट करवा रहे हों।
अच्छा किसी और का क्वेश्चन है वो पूछ लें। नहीं, क्लियर। कोई और पार्टिसिपेंट का स्टैक्स डेटा स्ट्रक्चर से रेलेवेंट क्वेश्चन है तो वो कर ली पूछ ली। इसका मतलब है क्लियर है सबको। अच्छा एक वे तो ये है कि हम इन्हीं फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन देखें जस्ट पाइथन के अंदर, और उसके बाद क्योंकि यहाँ भी बिगनर्स हैं, और एक वे ये है कि हम डायरेक्टली कोड पे चले जाएं। पार्टिसिपेंट क्या रिकमेंड करते हैं कि पहले हम इन ऑपरेशन की बेसिक इम्प्लीमेंटेशन देखें या फिर हम डायरेक्ट लीड कोड पे चले जाएं? मैम बेसिक आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं पहले। मेरा ख्याल है लीड कोड पे मूव करते हैं। हाँ लीड लीड कोड ठीक है। क्वेश्चन एक इम्प्लीमेंट हो जाएगा ना, फिर इजी हो जाएगा। आपके पास है या मैं प्रेजेंट कर दूँ? अगर आपके पास है तो कोई इशू नहीं, आप कर सकते हैं। ठीक क्वेश्चन है कि हम किस वक्त एरेज यूज करते हैं, बिकॉज जो एरेज और डिक्शनरीज हैं ये सब तो हमें एक लैंग्वेज में जैसे पाइथन में बिल्ट इन मिलती हैं चीजें, और जैसे लिंक्डइन लिंक लिस्ट है और स्टैक्स हैं, तो ये हमें लैंग्वेज में नहीं मिलती जैसे कि हम उसको अदर डेटा स्ट्रक्चर्स के तौर पे यूज कर रहे होते हैं। तो किस वक्त हम इनको यूज करते हैं, इन डेटा स्ट्रक्चर्स का क्या यूज है कि हम एरेस का यूज नहीं कर रहे तो हम वहां पर स्टैक को यूज करेंगे? अच्छा मुझे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा समझते हैं। आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, अगर किसी और को समझ आया तो वो बता सकते हैं। मैम मैम वो वो वही कह पूछ रही है। जी सर आप बता दें। मैम वो ये पूछना चाह रही है कि बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है और कौन सा वाला कब यूज होगा, एरेस कब यूज होंगे हमारे पास और स्टैक्स कब यूज होंगे। अच्छा एरे जैसे हमने स्टैक का प्रिंसिपल देखा, अगर हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो आ गया है जैसे हमने एम्प्लॉयज के नेम अगर इंसर्ट करवा रहे हैं तो हमने जो लास्ट एम्प्लॉय आया है उसको पहले ही निकालना है। जैसे हमने कुछ एम्प्लॉयज को निकालना है, जैसे हमारे पास ना 10 एम्प्लॉयज की हमने लिस्ट बनाई हुई है और हमें हमने 2 न्यू इंसर्ट करवाए हैं, 12 हो गए, लेकिन हमें पता चला है कि हमारी जो वैकेंसी थी हमने जस्ट 10 एम्प्लॉयज को ही रखा था, क्योंकि अब हमारे पास इतनी मनी नहीं है कि हम एक्स्ट्रा 2 एम्प्लॉयज को पे करें। तो हम क्या करेंगे, हम स्टैक का सिनेरियो इम्प्लीमेंट करेंगे और जो लास्ट पे आया होगा उसको पॉप करवा के आप उसको निकाल सकते हैं, जो 12 और 11 पे। डेफिनेटली जो लास्ट पे इंसर्ट हुए हैं उन्होंने ही पहले निकलना है ना, अगर कंपनी का ये रूल है तो वो क्या करेगी कि उनको पहले निकाल देगी। और जैसे क्यू का है तो उसका भी सिनेरियो यही है, वैसे वो हमने अभी देखा नहीं है लेकिन उसमें भी ये होता है कि आपका सिनेरियो डिपेंड कर रहा होता है कि आप आइदर अगर कुछ वेब इम्प्लॉयज है जो पहले आया है उसको पहले निकालना चाहते हो, जैसे जो पहले आया है उसको आप ना पहले हाई रैंक देना चाहते हो क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है ना, तो इस केस में हम क्यू यूज कर सकते हैं। अच्छा मुझे समझ आया मैम आपको, जी मैम ये एप्लीकेशन टू वेरी करता है। 1 मिनट मुझे साइन इन नहीं हुई भी मेरी ईमेल तो। मैं भी एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे कि जी फिर मैम आप आप बात जब कर। इनफ क्वेश्चन कर लेंगी ना, आपको खुद ही जी आपको खुद ही आइडिया होने लग जाएगा किससे काम कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं, क्योंकि आपको तब ये सारे डाटा स्ट्रक्चर फैमिलियर होंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा बेसिक इस पैटर्न्स। पैटर्न्स मेन चीज है, आपको पैटर्न्स पता लग जाएंगे जब आप क्वेश्चन करेंगे ना हर तरह के। लेट्स सपोज आपने ना ऑलमोस्ट ऑल डेटा स्ट्रक्चर्स कवर कर लिए, ठीक है। अब आपको पैटर्न्स उसमें आइडिया हो जाए काफी। अब पैटर्न क्या होते हैं, वो स्पेसिफिक होंगे, हमें इससे पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में ये पैटर्न यूज है। अब वो कैसे पता लगेगा, जब आप क्वेश्चन कर लेंगे। पैटर्न्स क्या होते हैं कि लेट्स सपोज अगर बाइनरी सर्च है ना, उसमें आपको पता कि दो कंडीशन है, ए हमारी एक जो गिवन एरे है वो सॉर्टेड होनी चाहिए और आई थिंक ये मेन कंडीशन यही है। तो जब आप सॉर्टेड देखेंगी और हमने फाइंड क्या करना होगा टारगेट, तो आप जन
डेफिनेटली बाइनरी सर्च को प्रीफर करेंगे। तो जब आपको पैटर्न्स का पता होगा ना कि आप क्वेश्चन को देख के वो अंदाजा लगा सकती हैं हमने कहाँ पे कौन सी अप्रोच यूज करनी है। मैं 1 मिनट, अगर आपको पाइथन पैटर्न्स का, 1 मिनट मैम, मैं तब तक आप लॉगिन करें तो मैं एक आपको ना एक शीट दिखाता हूँ, वहाँ पे ना सारे पैटर्न्स लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ से जाके सर्च भी कर सकती हैं। अच्छा यहाँ पे हाँ आई थिंक ये DSA पैटर्न, तो ये मैंने गिट रेपो डायरेक्टरी बनाई है, तो यहाँ पे जाके ना मैंने सारे पैटर्न्स के, एक तो चीट शीट लिखी है और एक ये readme.md5, इसमें एरे के पैटर्न्स। अब एरे में क्या होता है, अगर सर्चिंग कोई चीज़ करनी है और हमारी एरे सॉर्टिंग है तो हमें डेफिनेटली पता है बाइनरी सर्च यूज़ करेंगे। इसका ये पैटर्न, कुछ स्पेसिफिक पैटर्न होते हैं, तो या अगर हमने डुप्लीकेट्स फाइंड करने हैं उसके लिए हम ज़्यादातर टू पॉइंटर्स यूज कर रहे होंगे, हैशिंग सॉर्टिंग टेक्निक्स, तो ऐसे करके होते हैं। अगर सब एरे में का सम करना है उसके लिए स्लाइडिंग विंडो होती है, तो डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, तो वो आपको एक बार अंडरस्टैंड कर ले तो आइडिया हो जाता है। यहाँ पे एक चीट सर शीट आई इसका भी, लिंक आप इसको शेयर देख लें। जी मैं शेयर कर दूँ, सर इसका ये लिंक चीट शेयर शीट कर है। दें। जी, तो ये चीट शीट है, तो इसमें ये अगर ये या इसमें लिखा हुआ है, इफ़ द इनपुट एरे इज सॉर्टेड देन यू कैन यूज टू पॉइंटर, आप कर सकते हैं अगर एरे सॉर्टेड है, और आप बाइनरी सर्च भी कर सकते हैं। अगर वो कहे कि आपने परमुटेशन फाइंड करनी है सब एरे, उसके लिए बैक चेंज, ये ना डिफरेंट पैटर्न्स है, आपको अंडरस्टैंड कर लें तो आपको आइडिया हो जाता है। तो ये तब अंडरस्टैंड होंगे जब आप इनफ क्वेश्चन कर लेंगे इसके। जी मैम आप कंटिन्यू करें। सर आपने सारे डेटा स्ट्रक्चर कवर कर लिए। सर ऑलमोस्ट हो गए हैं, तकरीबन 2-3 रहते हैं जो फुल एडवांस है, यानी होगी वो टेक्निक डायनेमिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट रहते हैं, बाकी ऑलमोस्ट ओके हैं। अच्छा, आपने जो क्वेश्चन किया था वो सर से स्पेसिफिकली किया था या इस सेशन में के लिए किया था कि इस सेशन में कितने टॉपिक्स हुए हैं? हाँ नहीं नहीं मैम, वो आई थिंक उन्होंने दूसरा किया था, ठीक है। अच्छा आप अपना कंटिन्यू करें। अच्छा ये हम स्टैक के थ्रू हम ये क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है और उसमें लोअर केस इंग्लिश लेटर हैं, सब लोअर के लोअर हैं, कोई भी कैपिटल नहीं है, और डुप्लीकेट रिमूवल ये हमारे पास फंक्शन होगा। हमने इसमें क्या करना है, हमने दो एडजेसेंट चूज करना है। एडजेसेंट वैल्यूज जो होती है, हम इसको एग्जांपल्स में देखते हैं एडजेसेंट क्या होती है। जैसे ये बी है ना, तो इस बी का एडजेसेंट जो वैल्यू है ये नेक्स्ट बी है। एडजेसेंट का मतलब होता है वो साथ बड़े होते हैं, कंसेक्यूटिव आप कह सकते हैं। इस बी का ये ए एडजेसेंट नहीं हो सकता जो सी से पहले। इस बी का एडजेसेंट ये बी होगा या इस बी का एडजेसेंट ये प्रीवियस ए होगा। तो एडजेसेंट बेसिकली ये होता है, इक्वल मतलब वो दोनों सेम है। अगर एक भी बी है और दूसरा भी बी है तो हमने उनको रिमूव करवाना है। कोई भी दो लेटर्स लोअर वो एडजेसेंट भी है और सेम भी है, तो हमने क्या करवाना है, उनको रिमूव करवा देना है। और ये काम तब तक हमने करना है जब तक हमारे पास कोई भी डुप्लीकेट्स वैल्यूज नहीं रह जाती हमारी स्ट्रिंग के अंदर। और जब ये काम हो जाएगा, जिसमें जब हम सारी डुप्लीकेट्स लोअर केस लेटर्स को रिमूव कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो बाकी स्ट्रिंग बच जाएगी वो हमारा आंसर होगा और वो यूनिक होगा। मींस उसमें कोई भी डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं होगी। और यूनिक वही चीज होती है जब एक एक वैल्यू की सेम वही वैल्यू एग्जिस्ट ना करी हो, तो हमने बेसिकली वो रिटर्न करवा देना है। तो इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट तक का अगर किसी को इश्यू है तो पूछ ले, वरना हम इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कोड में जाने से पहले। मैम एक दफा ना एडजेसेंट रिपीट कर दीजिएगा। अच्छा एडजेसेंट ये होते हैं, एक मिनट मुझे प्रीवियस का क्लियर करने दीजिए। एडजेसेंट ये होते हैं कोई भी वैल्यू जो आपस में साथ बड़ी हो। इस बी का एडजेसेंट इसका नेक्स्ट बी है। अगर मैं ये कहूँ इस बी का एडजेसेंट ये सी हो सकता है, कभी भी नहीं, क्योंकि ये इसके साथ नहीं, जो बिल्कुल नेक्स्ट आप कह सकते हैं उसके नेक्स्ट जो एलिमेंट होता है वो आपस में एडजेसेंट होता है। इस बी का जो नेक्स्ट एलिमेंट है ये दोनों आपस में एडजेसेंट है। अब इस ए का अगर हम देखें तो इसका एडजेसेंट सी है।
अगर हम सी का जश्न देखें तो प्रीवियस भी हो सकता है और नेक्स्ट भी, लेकिन हम सिर्फ फॉरवर्ड लुकिंग में देखेंगे ये जश्न, कोई भी जो एलिमेंट बिल्कुल उसके साथ है। अगर एक वैल्यू छोड़ के आप देखें तो वो कभी भी उसका जश्न नहीं देगा। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं मैम, नहीं हुआ क्लियर। अच्छा, एडजेसेंट ये है कोई भी कंसेक्यूटिवली साथ पड़े उनके बीच में कोई दूसरा एलिमेंट ना आए, जैसे ये सी है, सी का एडजेसेंट ए है या ये बी है। अगर आप गेस, अगर आपको थोड़ी सी समझ आई है तो आप इसको बताना चाहेगा, सी का एडजेसेंट ये ए होगा या ये बी होगा। कौन सी एलिमेंट इसके साथ पड़ी हुई है और कौन सी एलिमेंट के बीच में कुछ लेटर्स आ रहे हैं, डायरेक्टली साथ नहीं है, वो दूर है। एम हाँ, तो ये बेसिकली वो है जिसके बीच, उसके नेक्स्ट और उस लेटर दोनों में कोई स्पेस, कोई बीच में एलिमेंट ना आए, तो जैसे ही नेक्स्ट उसके साथ होगा वो बेसिकली एडजेसेंट होता है, सी का एडजेसेंट ए होगा। अब आपको क्लियर हुआ है? ए। यस मैम, यस क्लियर। वेलकम। अच्छा, एडजेसेंट का हमें क्लियर हो गया, और बेसिकली वो एडजेसेंट भी होने चाहिए, हमारे पास दो कंडीशन है, वो एडजेसेंट भी होने चाहिए और वो इक्वल भी होने चाहिए, तो तब ही हम उन दोनों लेटर्स को रिमूव करवा देंगे। ये बेसिकली एक एग्जांपल है, और दूसरी एग्जांपल ये है, इसमें भी देखिए हमने यही काम करवाना है, हमने रिमूव करवाना है। हम एक स्टैक बना लेते हैं और हम देख लेते हैं ये बेसिकली इम्प्लीमेंट कैसे होगा। सबसे पहले हमने लेट्स सपोज ए को अपेंड करवा दिया, अब हम स्टैक करवाएंगे। अब जैसे ही बी आया, हमने ये कंडीशन चेक करनी है। अब ए पहले तो इनिशियली स्टैक एम्प्टी थी, ए अपेंड हो गया। अब जैसे ही नेक्स्ट वैल्यू बी आई तो मैं चेक करूंगी कि जो स्टैक के टॉप पे पड़ा हुआ है, अभी हमने टॉप की बात की थी, टॉप इस ए को पॉइंट करा है, और जो हमारे पास वैल्यू आई है वो बी आई है, क्या ये दोनों आपस में सेम है? नहीं है ना, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो हमने इसे अपेंड करवा देना है। हमारा केस तब बनेगा जब ये सेम होंगे। अब ये फर्स्ट वाला बी निकल गया, अब जब हमने दोबारा अपनी लूप के इटरेशन मूव करेंगे तो हमारा नेक्स्ट बी आ जाएगा। अब ये दोबारा बी आ गए, अब हम देखेंगे ए बी हम इंसर्ट करवा सकते हैं, करवा चुके हैं, और नेक्स्ट बी आया है, तो क्या ये बी जो हमारे पास अभी आया है और जो प्रीवियस बी था वो स्टैक के टॉप पे पड़ा, अब टॉप यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, तो क्या ये दोनों सेम है? हाँ, ये दोनों सेम है, हम इसको तो इंसर्ट ही नहीं करवाएंगे और इसको भी पॉप करवा देंगे, क्योंकि हमने तो दोनों निकालने हैं। जो करंट आया है अगर उसकी स्टैक के टॉप पे वैसा ही एलिमेंट पड़ा है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको दोबारा से अपेंड करवाऊंगी ये दोनों डुप्लीकेट्स हो जाएंगे और एडजेसेंट भी हो जाएंगे, तो मैं तो इसको अपेंड ही नहीं करवाऊंगी और इसको भी रिमूव करवा दूंगी। ये दो अब ये तो अपेंड ही नहीं हुआ, ये रिमूव हो गया। अब हम जो चीज रिमूव हो चुकी है उसको हम स्टैक से निकाल देते हैं। अब आप देखिए हमारे पास सिर्फ ए रह गया है, तो अब हम ये काम करते हैं। अब दोबारा से नेक्स्ट वैल्यू क्या आई, ये ए आ गई। अब जैसे ए आया तो मैं चेक करूंगी, अब स्टैक का जो टॉप है वो यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, क्या स्टैक के जो टॉप पे वैल्यू पड़ी है ये फर्स्ट वाला ए पड़ा, ये बी दोनों रिमूव हो चुके हैं, ये ए और ये हमारे पास ये जो करंट ए आया है ये वाला, क्या ये दोनों सेम है? इस वाले ए को तो मैं इंसर्ट ही नहीं करवाऊंगी और ये जो ए पड़ा हुआ है इसको भी पॉप करवा दूंगी और ये वाला भी इंसर्ट नहीं होगा। अब ये भी खत्म हो गया। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट वैल्यू दोबारा से जो आएगी वो सी आ गई है। अब तो स्टैक स्टैक के अंदर कोई वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करी, तो हम सी अपेंड करवा देंगे। अगर एग्जिस्ट करेगी तो उसका टॉप होगा, तो तभी हम मैच करेंगे। अब दोबारा से ए आया तो हमने देखा कि जो स्टैक के टॉप पे वैल्यू पड़ी थी और ये हमारा दोबारा से ए आ गया था, क्या ये दोनों आपस में सेम है? कंडीशन फॉल्स हुई, हमने ए को जाके अपेंड करवा दिया, तो हमारे पास अब हम इस स्टैक को लेंगे और इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा के रिटर्न करवा देंगे, सी ए ये रिटर्न हो जाएगा। तो ये बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन यही होगी। हमारे पास मैंने ड्राई रन कर दिया है, हम इसका कोड कर लेते हैं। टाइम हमारे पास 8 to 10 मिनट्स है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली हमने देखा अगर वो सेम है तो हमने स्टैक से पॉप करवाना है, स्टैक का टॉप एलिमेंट भी और जो हमारे पास करंट आ रहा है। अगर ये सेम नहीं आते तो हम क्या करेंगे, हम एल्स के केस में क्या करेंगे, जस्ट हम अपनी वैल्यू को क्या करते जाएंगे, अपेंड पेंड कर करवाते दे। जाएंगे। तो अब हमें एक स्टैक चाहिए होगी और हमने ये देखा कि हमने उसे लिस्ट के थ्रू पाइथन लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। अब हमने हर वैल्यू उठानी है वन बाय वन करेक्टर, किसमें से एस के अंदर हमारे पास वैल्यू पास हो रही है। तो जैसे ही मैंने ये करेक्टर उठाया, मैं चेक करूंगी
क्या जो करेक्टर मैं उठा रही हूँ ऐसा ही करेक्टर स्टैक के टॉप पे भी पड़ा हुआ है, लेकिन हमने उससे पहले ये भी चेक करना है, ये ना हो हम स्टैक ऑफ का टॉप एसेस करे हों और स्टैक हमारे पास एम्प्टी हो, तो मैं अगर आप जस्ट इफ स्टैक करते हैं ना तो ये चेक कर देता है कि स्टैक एग्जिस्ट करी है कि नहीं, ये भी इससे भी चेक हो जाता है कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, तो ये चेक करेगा। और साथ में हम ये देखेंगे कि उसका टॉप का जो एलिमेंट है क्या वो इक्वल इक्वल टू सी के है, सी मतलब जैसे हमने देखा था एक एलिमेंट हम लेके आ रहे हैं और एक स्टैक के अंदर प्रीवियस वाला पड़ा होगा, अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब है ये डुप्लीकेट्स है और हमने इस वाली जो करंट वैल्यू है इसको तो इंसर्ट नहीं कराएंगे, और जो स्टैक के टॉप पे पड़ा हुआ है और हमने ये देखा था कि हम डॉट पॉप के थ्रू उसको रिमूव करवा सकते हैं। और एल्स के केस में क्या करेंगे हम, अगर ये केस नहीं है, अगर वो सेम नहीं है तो इसका मतलब है जैसे हम सी और ए को और लास्ट में हमने अपेंड करवा दिया, तो एल्स के केस में हम स्टैक को जस्ट अपेंड करवाते जाएंगे अपनी सी वैल्यू को, तो ये हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा। अगर हम इसको रिटर्न करवाना है तो स्टैक के अंदर वन बाय वन करेक्टर पड़े होते हैं, इससे स्ट्रिंग नहीं होती, तो हमने बेसिकली अपनी स्ट्रिंग रिटर्न करवानी है, तो हम हमारे पास पाइथन के अंदर एक फंक्शन होता है ज्वाइन का, जो बेसिकली क्या करता है हमारी जो स्टैक की वैल्यू है उसको क्या करेगा स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अच्छा ये क्वेश्चन रन हो गया है, हम इसका एक दफा इस कोड के मुताबिक ड्राई रन देख लेते हैं। हमारे पास कुछ मिनट्स हैं, लेट्स सपोज हमने एक न्यू स्टैक बनाई है जिसमें हम अपनी वैल्यू अपेंड करवाएंगे, ये अब ये जो ऐसे हमारे पास ये वैल्यू पास हो रही थी, अब सी के अंदर करंट वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास स्टैक एग्जिस्ट करिए, स्टैक हमारे पास एम्प्टी, हमने कोई वैल्यू नहीं डाली, तो ये कंडीशन एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, ये दोनों ट्रू नहीं होंगे क्योंकि स्टैक की फॉल्स होगी तो इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होगी, वो एल्स के केस में आएगा और स्टैक के अंदर क्या अपेंड करवा देगा, ये स्टैक बनी है मैं इसको एस के नाम से यहाँ डिक्लेयर करवा देती हूँ। अब हमने एक स्टैक बना लेते हैं और हम अपने स्टैक के अंदर क्या वैल्यू डाल देते हैं, सी, सी के अंदर क्या आया है, ए आया है। अब जब नेक्स्ट आइट्रेशन चलेगी तो ए के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, बी आ जाएगा, अब सी के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, बी आ जाएगा, तो जैसे ही बी आएगा तो क्या ये देखेगा क्या स्टैक एग्जिस्ट करी है, और जो स्टैक हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होती है स्टैक एग्जिस्ट करी मीन्स उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू पड़ी है वो एम्प्टी नहीं है, अब ये कंडीशन चेक करेगा क्या जो स्टैक ऑफ -1 है मीन्स टॉप टॉप इस टाइम यहाँ है जो सबसे टॉप पे वैल्यू ए की वैल्यू है, तो ये -1 पे क्या पड़ी, ए, क्या वो सी के इक्वल है, सी पे हमारे पास क्या आया है, बी आया है, ये करंट सी की वैल्यू है और जो स्टैक के टॉप पे है वो ए है और जो सी की वैल्यू है वो बी है, ये कंडीशन आपस में इक्वल, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ से ये एल्स कंडीशन में जाएगा और सी को अपेंड करवा देगा, सी में वैल्यू क्या है, बी है। अब नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं, अब दोबारा से जाएगा नेक्स्ट वैल्यू उठाएगा, ए बी के बाद दोबारा से बी आ गया, अब सी के अंदर वैल्यू बी आ गई और स्टैक के टॉप पे हमारे पास स्टैक तो एग्जिस्ट करिए और स्टैक के टॉप पे हमारे पास बी पड़ा हुआ है, तो स्टैक के टॉप टॉप पे हम इसे बी कर लेते हैं और जो सी हमने उठाया है करंट वैल्यू वो भी बी है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं, ये जो हमारे पास स्टैक के टॉप पे वैल्यू है और जो करंट सी के अंदर आई ये दोनों इक्वल है, ये कंडीशन ट्रू होगी, हमने क्या करना है, ये वैल्यू तो हम देखें अब अपेंड ही नहीं करवा रहे, हमारी इफ की कंडीशन ट्रू होगी हम यहाँ से अंदर जाएंगे, आपको पता है इफ एल्स में एक कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, न्यू जो वैल्यू बी आया वो तो हमने अपेंड ही नहीं करवाया और जो प्रीवियस पड़ा हुआ है इसके अंदर टॉप पे हमने उसको जाके पॉप करेंगे तो सबसे टॉप पे एलिमेंट रिमूव होगा, तो ये बी हमारे पास रिमूव हो जाएगा और ये वाला बी हमारे पास अपेंडिंग नहीं होगा। अब जब हम दोबारा इटरेशन चलाएंगे तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, अब हमारे पास सी के अंदर क्या आ गया, ए आ गया। अब हम देखते हैं स्टैक भी एग्जिस्ट करिए उसके अंदर एक वैल्यू है, स्टैक ऑफ -1 पे क्या है, ए पड़ा हुआ है, ये वैल्यू हमारी खत्म हो चुकी है, पॉप हो चुकी है, तो -1 पे ए है और जो हमारे सी के अंदर वैल्यू आई है वो भी देखें ए है, तो ये कंडीशन ट्रू होती है, इसने स्टैक में जाके पॉप करवा देना है, तो ये ए हमारे पास पॉप हो जाएगा, ये जो दोनों वैल्यू पॉप हो चुकी है तो हम इसको स्टैक से खत्म कर देते हैं, अब हमारी स्टैक एम्प्टी हो गई है। अब जब नेक्स्ट आइटरेशन चलती है तो ये दोबारा से क्या करता है, अब ये सी उठाएगा, इसने ए उठाया था, नेक्स्ट वैल्यू सी है, तो अब सी के अंदर ये एक्चुअली मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है और जो इसके अंदर वैल्यू आ रही है ये बी सी आ रही है, तो आपने इसको मिक्स नहीं करना, इस सी वेरिएबल के अंदर इस टाइम वैल्यू सी आई है
अच्छा ये कंडीशन आगे नहीं होगी, आप देखिए स्टैक एग्जिस्ट कर रही है, नहीं स्टैक हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी, ये एल्स कंडीशन में आएगा, और सी के अंदर जो भी वैल्यू है सी के अंदर इस टाइम वैल्यू सी ही है तो ये अपेंड करवा देगा, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई थी क्योंकि स्टैक खाली थी। अब दोबारा जाएगा सी के अंदर क्या करेगा, ए वैल्यू को उठाएगा, अब सी वेरिएबल के अंदर ए वैल्यू आ गई, अब देखिएगा स्टैक एग्जिस्ट करिए कंडीशन टू होती है, स्टैक के माइनस टॉप पे माइनस वन, हम टॉप एलिमेंट को बेसिकली असेस कर रहे होते हैं माइनस वन, ये रिवर्स इंडेक्सिंग होती है नेगेटिव। अब हम सी देखते हैं स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, वैल्यू सी, और जो हमारे करंट सी वैल्यू आई है हम प्रीवियस को डिलीट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब जो हमारे पास स्टैक के टॉप एलिमेंट है वो सी है, और इस सी के अंदर क्या वैल्यू आई है, ए आई हुई है, क्या है दोनों आपस में इक्वल है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, वो एल्स में आएगा और सी के अंदर जो वैल्यू ए है उसको अपेंड करवा देगा। अब जब मुझे दोबारा लूप लाइक चले, 1 मिनट ये कंप्लीट करने दीजिएगा, अब जब दोबारा लूप चलेगा तो कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करिए, बाहर आएगा स्टैक के अंदर जितने भी वैल्यू है उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा के सी ए रिटर्न करवा देगा। जी अब बोलिए। मैम, मैं ये कह रहा था कि लाइन नंबर 5 में जो पहले वाला स्टैक है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जो आने वाले नंबर एलिमेंट को। ये 5 स्टेप, हाँ एक तो ये हाँ काम भी चेक, स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, दूसरा काम ये चेक कर रहे हैं कि अगर हम दोबारा बी आता है तो इसका अगर एक बी पहले से पड़ा हुआ है और एक बी जो हमने करंट वैल्यू हम लेके आ रहे हैं, अगर ये दोनों सेम है तो इनको रिमूव करवाना है, जो अभी वैल्यू हमने तो उसको इंसर्ट ही नहीं करवाना स्टैक के अंदर, और जो प्रीवियस है उसको पॉप करवा देना है ताकि डुप्लीकेट्स खत्म हो जाए, बेसिकली डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के लिए काम करिए, कंडीशन चेक करिए कि डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। ठीक है, सही है। अच्छा अगर हम इसकी है तो हम इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इसकी स्पेस है, हम एक स्टैक बनाने जिसमें एन वैल्यूज आएंगे, एन मीन्स हमें नहीं पता वो कितनी वैल्यू हम इसके अंदर पेंट करवाएंगे, ये हमारी स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड करेगा, तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑफ एन होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हम एक एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर ले रहे हैं जो कि स्टैक है, और यहाँ इसकी ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिनोट करे जिसमें हम बात की थी वो कितनी मेमोरी ले रहा है, और डेफिनेटली वैल्यू जो हम स्टोर करवा रहे हैं डिपेंड करता है कि कितनी वैल्यूज हमारी स्ट्रिंग के अंदर होती हैं, एंड हम कंसिडर करते हैं जब हमारे पास अननोन हो। अब दोबारा से हम ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसके अलावा हमने और कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करवाया हुआ जो हमारे पास मेमोरी ले रहा हो, अगर हम इसको देखें तो ये जो लूप है बेसिकली एन वैल्यू पे चलेगा, एन मीन जितने नंबर ऑफ करेक्टर हैं एस पे, तो इस लाइन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ओ ऑफ एन होगी, अंदर अगर हम देखें तो ये जस्ट कंडीशन एक टाइम ही चलेगी, ये ओ ऑफ वन है, ये भी जस्ट हमने पॉप के ऑपरेशन की देखी ओ ऑफ वन होती है, आज हमने स्लाइड्स में देखी अपेंड की भी ओ ऑफ वन है, अगर सारी ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी, आपको पता है जब सेम इंडेंट में होती हैं तो प्लस होती हैं, जब नेस्टेड में होती हैं तो वो कॉम्प्लेक्सिटी आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है, ओ ऑफ वन को अगर मैं मल्टीप्लाई ओ ऑफ वन करती हूँ तो वो बेसिकली ओ ऑफ एन ही होता है, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये यहाँ पे ओ ऑफ